हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ट्रैवल बैग लाई हूँ। दो दिन के सफ़र के लिए बहुत अच्छा बैग है। आपके बहुत सारे कपड़े इसमें आराम से सेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अंदर भी काफ़ी स्पेस है। इधर मैंने छोटा सा पॉकेट बनाया है, इसमें कुछ आपके रुपये वगैरह कुछ ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं। ये मैंने पुराने ब्लाउज पीस का मेरे पास बचा हुआ ब्लाउज पीस था, इसके मैंने यूज कर लिया। आप चाहे तो नया कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं और कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इस बैग का मेजरमेंट देखते हैं। 18x27 का एक पार्ट लिया है मैंने। सत्ताईस इंच और इधर से 18 इंच। 18x27 का एक पार्ट। नाइन बाय नाइन के दो पार्ट साइड पार्ट्स हैं और 45 इंच की दो बेल्ट तैयार कर ली है मैंने। आप देख सकते हैं 45 इंचेस 45 इंच की दो बेल्ट, इसे हैंडल भी कहते हैं। इसके लिए लगेगी चेन और दो रनर। इसमें मैंने गेहूँ या चावल वाली बोरी इस्तेमाल की है। आप चाहे तो फोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 9x9 के जो दो पार्ट्स लिए हैं मैंने, इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। किसी भी एक प्लेट के सहारे राउंड शेप दे दीजिए। वैसे ही दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। किसी भी एक साइड निशान कर लीजिए। पूरे राउंड शेप में नाप लेना है हमें। छब्बीस इंच आ रहा है, तो एक इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। तो ये पार्ट मैंने 18x27 इंच का लिया है। हमारी गोलाई पूरी गोलाई 26 इंच आई है, तो एक इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है। ये जो 18x27 का पार्ट लिया है मैंने, इसे हम उल्टा रखते हैं और जिधर से 18 इंच है साइड में 18 इंच है, दोनों किनारे से हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पर निशान करेंगे। इधर से भी 2.5 इंच पर निशान करना है। इसका सेंटर निकाल लेना है। पहले 12.5 आ रहा है निशान से, सेंटर के निशान से ऊपर जाना है और 6.5 इंच पर निशान लगाना है। आप देख सकते हैं इसे हम राउंड शेप दे देते हैं। सेंटर तक राउंड शेप दे देना है। इधर हम जिप लगाएंगे।
मेरे पास है बेकार ब्लाउज पीस पड़ा था, तो मैंने इसका यूज कर लिया। इसकी जगह आप नया भी यूज कर सकते हैं। इधर हम जिप लगाएंगे। नाप लेते हैं पहले। हम कपड़े पे उल्टी जिप रखते हैं और इधर से हम एक साइड से स्टिच कर देंगे। पहले एक साइड से स्टिच कर देते हैं, फिर उस पर दाब सिलाई देते हैं। एक साइड से मैंने जिप लगा ली है, पूरे राउंड शेप में जिप लगा दी और दोनों साइड से मैंने दो रनर डाल दिए। अब इस पार्ट का मैंने जो आधा कटिंग किया था, उस पार्ट को भी हम दूसरी साइड से जोड़ देते हैं। दूसरी साइड हम जोड़ देंगे। दोनों साइड से मैंने जिप अटैच कर ली। अब इसका सेंटर निकाल लेना है। दोनों साइड से इक्वल करके सेंटर निकाल लेना है। इधर की साइड से 3 इंच और दूसरी साइड से भी 3 इंच लेना है। नीचे से 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इधर भी 6.5 इंच लेना है। वैसे ही दूसरी साइड भी इधर से 3 इंच। दोनों साइड से 3-3 इंच ले लेना है। सेंटर से भी 3 इंच नीचे जाना है। तीन इंच का निशान हो गया। ऊपर 6.5 इंच एक लाइन खींच लो। इधर भी 6.5 इंच के निशान लगा लेना है। अब जो हमने कपड़े की बेल्ट तैयार की है, हैंडल, इसे जोड़ लीजिए। ये दो हैंडल लिए हैं मैंने, पहले एक एक करके जोड़ लीजिए। ऐसे जोड़ लेना है, सेंटर में रखिए। जिधर से हमने जोड़ दिया है उसे सेंटर में रखिए। दोनों साइड 6.5 इंच पे मार्क किया है, उधर तक हमने लॉक कर देना है। इधर हमने 6.5 इंच पर मार्क किया था, इधर तक हम लॉक कर देंगे। इधर से इधर तक स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। वैसे ही दोनों साइड हम
हैंडल स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड में मैंने हैंडल स्टिच कर लिए। अब हम हैंडल को पिन लगा देते हैं। देख सकते हैं आप, इसी साइड स्टिच कर लेना है। ये दोनों पार्ट स्टिच कर लेने हैं। सीधी साइड स्टिच करने के बाद हमने जो राउंड शेप वाला पार्ट तैयार किया है वो हम इधर से स्टिच कर देंगे। पहले इधर स्टिच कर लेना है। दोनों साइड मैंने स्टिच कर ली। इधर हम डबल स्टिच दे रहे हैं। इधर से मैंने स्टिच लेकर तैयार कर लिया। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। हैंडल को अंदर कर देना है। सीधे पे सीधा पार्ट ले लेना है। नीचे वाले से सेंटर से सेंटर में ले लेना है। राउंड शेप में स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट्स हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स मैंने राउंड शेप में स्टिच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने जिधर से स्टिच किया है वो हिस्सा हम पाइपिंग से कवर कर देते हैं। इधर भी हम पाइपिंग कर देंगे और दोनों साइड राउंड शेप में भी पाइपिंग कर देते हैं। पाइपिंग की विड्थ ली है मैंने 1.5 इंच। पहले इधर से स्टिच कर लीजिए, फिर दोनों साइड से हमें स्टिच कर लेना है। इस हिस्से भी पूरे पाइपिंग कर ली मैंने और राउंड शेप में भी पाइपिंग कर ली। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बैग आया है, अंदर भी काफ़ी स्पेस है, बहुत सारा सामान इसमें सेट हो जाएगा। दोनों साइड से खुल सकता है। सामान भरने के बाद बहुत अच्छा लगेगा ये बैग। अंदर मैंने छोटा सा पॉकेट बना दिया, इसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। पॉकेट की विड्थ ली थी मैंने 6x8 इंच। आप देख सकते हैं अंदर भी काफ़ी स्पेस है, बहुत अच्छा बैग बना है। दो दिन के सफ़र के लिए भी काफ़ी अच्छा बैग है। देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े इसमें आराम से सेट हो गए। और भी 2-3 चीजें सेट हो जाएगी। आप इधर छोटा सा ताला भी लगा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो
कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।